हमारा YouTube का पैसा आ चुका है और YouTube का लाखों रुपए आया है। कितने आया आप सबको इस ब्लॉग के अंदर बताऊंगा और इस बैग के अंदर पूरा पैसा भर के लेकर आया। पूरे पूरे 5 महीने की पेमेंट जो है इस बैग के अंदर पूरा पैसा फुल भरा हुआ है। और फ्रेंड्स और मैं हाथ में भी लेकर रखा हूँ, देखिए इसलिए हाथ में लेकर रखा हूँ ताकि बैग फ्रेंड्स जगह ही नहीं था रखने के लिए। हाँ पेमेंट आ गया, देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बैग के अंदर पूरा यूट्यूब का पूरा पैसा जो है भरा हुआ है और फुल पेमेंट हमारा आया है। पूरे 5 महीने बाद हमारा यूट्यूब से है लाखों रुपए। तो भाई ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड्स। रवप्रीत भी बोल रहे हैं, सुनिए रवप्रीत का भी पैसे आ चुका है। ठीक है कि इतना बड़ा बैग और इतना पैसा कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स देखिए 500 का नोट और इसके अंदर पूरा पैसा भरा हुआ है। और फ्रेंड्स अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा और चलो बैग के नाम फ्रेंड्स आप सभी के सामने जो है पूरा कैश गिनके बताऊंगा कि इसमें कितना पैसा है और YouTube का कितना हमें हर महीने फ्रेंड्स आप सभी पता है 4-5 लाख तो आ ही जाता है। ठीक है आप सब जानते हो। प्रीत फ्रेंड्स कह रहा है कितना इतना पैसे आता है। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए, ऐसे ब्लॉग की एंजॉयमेंट करते रहिए। और फ्रेंड्स बैग के अंदर मैंने बार बार बोल रहा हूँ पूरा लाखों रुपए भरा हुआ है। ठीक है YouTube का पैसा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना पैसा आ गया। 20-20 का नोट भी निकल गया है, देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अरे जानू क्या कर रही हो। चलिए फ्रेंड्स इसको भी 20 रुपया दे दो, मैं भी दिखाएगा। बाबू जा तू भी दिखा दे, ले दिखा दे फ्रेंड लोग को पैसा। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स YouTube का पैसा पूरा पैसा ही पैसा आ चुका है और भरा हुआ बैग आपसे मैंने दिखाई दिया। चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को टाइम वेस्ट ना करते हुए और मैं YouTube से कितने महीने कमाता हूँ, कितने लाख रुपए आता है, कैसे हम कमाते हैं आप सभी को फ्रेंड्स इस ब्लॉग के अंदर हम बताने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे पैसा गिरा, पैसा पैसा पैसा। चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग को ना वेस्ट करते हुए टाइम को अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि हम YouTube से महीने का कितना पैसे कमाते हैं। ठीक है तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हाँ। मैं बोलना चाहूंगी कि अभी फ्रेंड्स ब्लॉग बने रहिएगा, आपको खोल के इसमें सारा पैसे काउंटिंग करके गिनती करके जितने भी पैसे निकलेंगे सबको आप सभी को दिखाऊंगा। तो बैग को यहाँ रखते हैं साइड में, पैसे किसके यहाँ रखते हैं। अरे बैग फ्रेंड्स पता इतना भारी हो चुका है पैसे के वजह से, देखिए फ्रेंड्स रख दिए हैं। और चलिए हाँ बोलो फिर क्या बोल रही थी तुम। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स जानू ये पे पे पैसे फाड़ो। क्यों फाड़ रहा है? ए जानू फाड़ दिया, जानू सिक्का दे दो। गुल्लक 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 उड़ा दे, गुल्लक 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 बाबू गुल्लक गुल्लक। अरे गुल्लक गुल्लक वो पैसे पैसे इसमें रख ले, तो इसमें ये ले बाबू ये ले जानू। चलो बोलो तुम क्या कह रहे थे। पहली बात तो ये बोलना चाहेंगे फ्रेंड्स जब भी हम वीडियो डालते हैं, जब कभी भी डालते हैं तो सबसे पहले कमेंट किसी न किसी का यही आता है, ये आता है कि व्यूज के लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं ऐसा। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही बोला आपने क्योंकि तो हमारे फ्रेंड्स हर दिन 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाता है, 10-10 लाख 50-50 लाख मतलब 5-5 मिलियन व्यूज आता है। तो भाई क्यों नहीं करेंगे, वो तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है यार। हम कमाते 10-12-20 लाख रुपए तो हम तो ये चीज ड्रामा करेंगे ही, है कि नहीं जानू। तो यही है हमारा जो भी जो आप लोग मतलब जो आके कमेंट करते हैं, जब भी वीडियो डालेंगे तो उस वीडियो पे इनका ड्रामा शुरू हो गया, व्यूज कमा रहे, पैसे कमाने का इनका तरीका है। तो खैर किसी को कितना भी बोल दे तो समझेंगे है नहीं, लेकिन जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी हिम्मत है उतना मैं बोलना चाहूंगी यही कि अगर मेरे चैनल पे व्यूज आ रहा होता, चलो व्यूज की बात तो हम ये ये कहना चाहती हूँ, जिंदगी हमारे दुख है, अगर मेरे पास पैसे होते तो देखिए कुछ चीजें होते हैं प्यार से और कुछ होता है पैसों से। तो जरूरी नहीं कि प्यार ही है तो इंसान को पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की भी जरूरत है। तो हम नाटक करते हैं, हमें अच्छा लगता है, मतलब ये जो जिंदगी हमारे हो रहा है, हम दुख में रहते हैं तो ये हमारा नाटक है। ये वही लोग कमेंट करते हैं जिसके घर में होता है, मुझे ऐसा लगता है। और वो तो 100% लिखित की साथ। चलिए फ्रेंड्स और आप सभी को मैं इस कंफ्यूज दुखना चाहता हूँ, आपसे को भी दिखाऊंगा इसमें कितना पैसा है, कितने क्या क्या कुछ है सब बता देता हूँ। और यूट्यूब में हम कितना कमाते हैं आप सभी को मैं बता दूंगा और आप सभी को मैं प्रूफ भी दे दूंगा। फ्रेंड्स बहुत से लोग कमेंट ये आता है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, देखना
कोई कहता है यूट्यूब से 40,000 कमाता है, कोई कहता है यूट्यूब से इसके 4 लाख महीने आता, कोई कहता है 3 लाख, कोई कहता है 2 लाख, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। तो भाई हम सबकी बात को डालते हैं कूड़े में, ठीक है, अनदेखा करते हुए, और हम आते हैं फ्रेंड्स अपने मेन टॉपिक पे। मेन ट्रिक हमारा यही है कि हम यूट्यूब से कितना कमाते हैं, यूट्यूब में कितना पैसे मिलता है, ठीक है। इतना हमारे यूट्यूब से पैसा मिलता है कि हमारे महीने का ना रूम का किराया निकल जाता है, ठीक है, जो मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स अपनी कोई कमाई बताता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं इतना यूट्यूब से कमा लेता हूँ कि भाई बस मेरा एक महीने का रूम का किराया निकल जाता है, वो भी महीने में अगर यूट्यूब पेमेंट आ जाए तो। हाँ आ जाए तो, महीने में आ जाए तो, दो तीन तीन महीने हमारे पेमेंट नहीं आते हैं, ठीक है। वो इसलिए नहीं आते हैं, $100 बनेंगे तभी पैसे आएंगे, $100 के जब $100 बनेंगे नहीं, पैसे का पेड़ लगाया क्या, ऐसे पैसे गिरेंगे ऐसे करके, नहीं गिरते हैं ना, ठीक है। और फ्रेंड देखिए पहले पहले मैं आपको कर देता हूँ, इसमें ये कुछ पैसे हैं, ये 1200-1300 रुपए हैं, ठीक है, दो 500 का है, बाकी ये है जो दे रहा हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स इस बैग के अंदर क्या है, तो मैं आज अभी सबको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं यूट्यूब से जानू, यूट्यूब से मैं कितना कमाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स बैग खोल गया, तो भाई ये बैग जो है बिल्कुल बिल्कुल हमारा खाली है, ये देखिए इसके अंदर कुछ कागज कुछ पड़ा हुआ है, ऐसे बैग ये उठा के लेके आया था कहीं से, ठीक, किसी ने दे दिया, तो भाई रखा हुआ है, रखा हुआ था ऊपर, तो रखा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों नहीं फ्रेंड लोगों को शॉर्ट लगा जाए, और जो गलत कमेंट करते हैं रप्रीत दे दे भाई यूट्यूब का पैसा है, रप्रीत भी हंस रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्यों ना आप सब यहाँ बता जाए हम कमाते कितना है, फ्रेंड्स बोलने के इंसान कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम इतना कमा रहे होते हैं, पहले बात फ्रेंड्स बताता हूँ, अगर मैं यूट्यूब से महीने का 40,000, 30,000, 20,000, 50,000 में कमा रहा होता ना, तो पहली बात तो मैं कह रहा हूँ अच्छा कपड़ा पहनता, ठीक है, अच्छी लाइफ जीता, ठीक है, और बहुत कुछ कर लेता, बहुत कुछ, ठीक है। और दूसरी चीज, मैं इतने धूप में, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैं जाता काम करने के लिए, मैं दिहाड़ी करता किसी के अंडर, मैं धूप मिट्टी का वजन का मैं काम करता, मैं इतना पागल नहीं। और हाँ मैं गारंटी करता हूँ, ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो काम करने जाते हैं, ठीक है, हैं भाई, हमको तो मैंने दोस्ती करके भी देख लिया, दुश्मनी करके भी देख लिया, यूट्यूबर से भी बहुत लोगों से, लेकिन भाई हम किसी पता क्यों नहीं करते हैं, हमको भाई किसी को मतलब ही नहीं है, सब बंदे अपने अपने फायदे के बंदे होते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ बीच में जब हमारे चैनल व्यूज आ रहे थे 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख, ठीक है, तो प्रिया के पास कितने सारे मैसेज आए थे, मैंने देखा इसके व्हाट्सएप में देखा, मेल में देखा, एक से एक यूट्यूबर को मैसेज आए थे, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपके चैनल व्यूज आएगा ना, आपके चैनल अच्छा व्यूज आएगा, तो मैं कह रहा हूँ आपसे हर एक यूट्यूबर आपसे मिलेगा, ठीक है। अगर व्यूज आना बंद हुआ बेटा, फिर तुम गए खत्म, फिर तुमसे कोई नहीं मिलेगा, ओए इधर आ, फिर तुमसे कोई नहीं मिलेगा। आपने बच्चे का बर्थडे मनाओगे, व्यूज आएगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख डेली व्यूज आ रहा है, तो आप हर यूट्यूबर आपके पास आएगा। व्यूज नहीं आएगा तो मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई यूट्यूबर नहीं आएगा, ठीक है। आपके चैनल व्यूज आएगा, आपको यूट्यूबर आपको इनवाइट भी करेंगे, ठीक है, नहीं आएगा कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ये हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ जब हुआ है, जब हमारे चैनल पे 1.5-2 लाख व्यूज आते थे, ठीक है, अभी की बात है, पहले की बात बता रहा हूँ। और जब प्रिया से कुछ मेरा हुआ था उस टाइम, फ्रेंड देखते होंगे सुबह से लेकर शाम डालती होगी वीडियो, कितना से व्यूज आते हो उस टाइम, इसने मेरे को सब मैसेज दिखाया, ठीक है। कोई, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा यूट्यूबर हो जिसने हमारे पास मैसेज ना किया हो, हर एक यूट्यूबर ने मैसेज किया कि आपसे मिलना चाहते हैं प्रिया, आपसे मिलो प्रिया, हम आपके हेल्प करेंगे, ये सारा मैसेज मुझे दिखाई, हमें क्यों किसी, ठीक है, से मिलना। और भाई देखो मिलते हो उस टाइम प्रिया 2-2.5 लाख 3-3 लाख व्यूज आ रहे थे, मिलने से क्या होता, मिला, जो लोग उसको नहीं जानते हैं उसको जानते, ठीक है, इसके फॉलोअर उसके पास जाते, उसके फॉलोअर 2-4 इसके पास आ जाते, ठीक है, और देते 200 रुपए का मदद करते, तो कहते भाई हमने 2 लाख का मदद करके आया है, उस टाइम हमारा ठीक है, पेमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। और मैं उस, जब मैं अब की बात नहीं, जब प्रिया मजबूरी में थी, मैं तब की बात बता, जब प्रिया के साथ मैं नहीं था, मैं तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अरे बहुत, तो अभी भी फायदा उठाया, देखा अभी भी तुमने? अभी भी बहुत सारा का मैसेज पड़ा हुआ है, और बहुत लोगों तो हमारी, अब मैं गलत बोल दूंगा, बहुत तो ऐसे यूट्यूबर थे ना, प्रिया पता क्या क्या मैसेज कर रखे थे, क्या क्या बोल रहे थे कि तुम, अगर तुम्हें रोहन से मिलना है तो रोहन घर वापस आ जाएगा, तुम हमारा प्रमोशन कर दो, घर वापस आ जाएगा, हैं,
कसम से भाई, ऐसे ऐसे लोग इतना गिर सकते हैं। बड़े कम्युनिटी में तुम शेयर कर दो और हमारा प्रमोशन कर दो चैनल का, फिर वो था के बोलेंगे हाँ, रोहन फिर आ जाएगा तुम्हारे, क्यों मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा पति हूँ क्या कि मैं आ जाऊँगा, ये बात भी बोली गई। फिर एक लोग तो पूरा ऐसे मेरे पास पीछे हाथ धो के पड़ी थी, अब सामने आया, अब बोले ना, उस टाइम तो मैं कहता हूँ भाई, किसी की भी फैमिली मेंबर में चाहे किसी कुछ भी होता है, मैं तक किसी की वो वीडियो बनाया हूँ नहीं बनाया हूँ, लेकिन हाँ जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना उस दिन फिर मैं भी सबकी धज्जियाँ उड़ाऊंगा, फिर मैं भी वीडियो बना के, फिर मैं भी जैसे बकते ना हमारे बारे में ये वो वैसा, हम भी पैसे बैठेंगे ये तो ऐसी है वो तो ऐसी है ओ, बो, 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 बो। फिर हम भी वहाँ कर देंगे ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि भाई हमें करने ज्योति नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग मुझसे प्यार करने वाले 200 बंदे ही आते हैं ना, किसी के बारे में बोलने लोग 200 हो ही बंदे आते हैं, लेकिन मेरे लिए 200 बंदे के ही बहुत सही है ठीक है। अगर 10 लोग गाली दे रहे हैं ना तो 20 मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। प्लीज पानी दे भाई, पानी पी लो यार, पानी दे दे, प्यास लगी बोल बोल करके भाई। कहते हैं महीने के बहुत कमाते हैं, अगर हम महीने के बहुत कमा रहे होते हैं ना और अच्छे खासे हमारी अर्निंग होती तो हमारे खुद का घर होता, जो कि मैं पहले भी ब्लॉग में बोल चुकी हूँ ठीक है। हमें कोई शौक नहीं चढ़ा ऐसे किराए के घर पे रहें ठीक है, किसी हर इंसान का मन करता है कि उसका खुद का घर हो ठीक है, हर एक इंसान की ख्वाहिश। पहली बार पैसे कमा रहे होते ना अच्छा खासा, हमारे पैसे महीने का हम 5000 बचा लेते तो इस घर से अच्छा कहीं और रूम ले लेते, पक्का ले लेते, इसमें ऐसे मर रहे थे टीन में। अभी फैंस आपको हो गए ना अभी पूरा शर्ट में मानोगे नहीं, पूरा पसीने से ना पूरा गिरला हो रखा पूरा ठीक है, पूरा पसीना चल रहा है मेरा, बस अभी बैठ रहा हूँ ना आपके सामने से आप लोगों को बताने के लिए। बस मैं कहूँगा जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो लोग चैनल देख करके, कुछ लोग तो ये करते हैं क्या काम करते हैं, यूट्यूब पे सर्च मारते हैं 1000 व्यूज पे कितना पैसा मिलता है, वो बताते हैं 25 पैसा मिलता है, कोई बोलते हैं 1 रुपये, कोई कहते हैं 80 रुपये, कोई कहते हैं 2 रुपये, कोई कहते हैं 20 रुपये। भाई उससे कुछ नहीं होता है ठीक है, उससे कुछ नहीं होता, कितना मिलता है एड और वीडियो ठीक है देखने पे वो होता है क्या, अगर बंदा कोई हमारा वीडियो फुल देखता है उसके हिसाब से जो है बंदे को एड कितने लगे हैं उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं ठीक है। 5000 व्यूज आता है, 8000 व्यूज आता है, इससे पता है कितने कितने पैसे मिलते हैं, मैं बताता हूँ 8000-5000 व्यूज पे ना मुश्किल से बंदे का $1 बनता है, $1 में कितने मिलते हैं 80 रुपये ठीक है। आप नॉर्मल फ्रेंड सोच लो, वो भी एक अगर ऐसे बन जाते हैं कि जब वो कोई थोड़ा सा वीडियो देख लेता है तो अगर वो वीडियो भी कोई ना देखे तो नहीं बनता सही से पूरे अंदर ऐड ना। और फ्रेंड देखिए मैं जब और बताता हूँ मेन चीज होता है, अगर डेली का हमारा 2-3 डॉलर बनता है, एक बार बता रहा हूँ, तो महीने का पता बड़ा मुश्किल से जाकर $100 हो पाता है। अभी फ्रेंड्स डेट क्या, आज 14-15 तारीख हो चुका है, शायद 14 तारीख हो चुका है, ये 15 व्यू डलेगी, कल डलेगी मतलब है ना, आज 14 तारीख की है ना, 14 तारीख हाँ 14 जून है ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना 14 जून है। तो फ्रेंड देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल 35 डॉलर बने हुए हैं, 35 डॉलर ठीक है, अब 35 डॉलर तक बने हुए हैं, अब मैं महीना आ जाएगा, अब $100 फ्रेंड्स कितने पैसे मिलते जो यूट्यूबर होगा उनको पता ही होगा ठीक है। तो फैन जब $100 बनता है तब जाके YouTube जो है हमारे इसमें पैसे भेजते हैं ठीक है, जब भाई बनेंगे जब ही पैसे भेजेंगे YouTube भी। और प्रीत छोड़ दो ठीक है, ऐसे तो भाई कोई बंदा फ्री में दे नहीं देगा, फ्री में तो मिल नहीं जाता है वही तो, जब उसके बावजूद भी हम वीडियो जब भी डालते हैं, चलो खैर हम वो तो जो है काम कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा जिंदगी में श्रद्धा है, वरना इस जो काम करें इसमें भी गुजारा नहीं है इसलिए। देखो नहीं है। मैं काम इसलिए करने जा रहा हूँ भाई, मुझे पता भी आगे जो 2-3 महीने जो आने वाले मेरे कल है ना 20 दिन बाद ठीक है, आने वाले जो कल जो है इसमें भाई मैं बहुत मेरी जिंदगी तहस नहस होगी, बहुत मैं दिक्कत झेलूंगा भाई, 2 पैसे मेरे पास रहेंगे तो अपनी मर्जी से मैं काम कर मतलब सही चीज मैं कर सकता हूँ, नहीं होंगे तो। और भाई देखो जिनके बच्चे होंगे जिनके परिवार है जो फैमिली वाले बनते हैं भाई उन सबको पता होगा कि डिलीवरी में पैसा कितना खर्चा होता है, कहने को होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जितने भी चेकअप होते हैं ना वो बाहर के होते हैं, आप लोग खुद देखते हो मैं बाहर से जाके कराती हूँ, हॉस्पिटल के अंदर कोई चेकअप नहीं होता, एक चेकअप मैंने ब्लड टेस्ट करवाया भी तो उसका रिपोर्ट ही नहीं मिला है उस टाइम,
तो डॉक्टर ज्यादातर अल्ट्रासाउंड ये वो बाहर ही लिखते, चलिए अभी तो हो जाएगा बच्चा, उसके बाद तो दुनिया भर की चीजें होंगी तो सब बाहर से। आप जो सोच रहे हो ना फिर हॉस्पिटल के अंदर समय मिल जाता सारी सुविधा अच्छे से, सब चीजों में तो पैसे ही लगते हैं बिना फैन। देखिए इंसान का बोलने का मुंह है, इंसान मुंह से अपने जो मर्जी कुछ भी बक सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मैं आंख से देखूंगा, जो मैं कान सुनूंगा ना, मैं उस पर विश्वास करूंगा। बाकी मैं भाई चाहे बंदे जैसे मैं किसी भी बंदे विश्वास नहीं कर सकता हूँ, जानू उसको क्यों बुला रही है, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स मैं आप सबको यही कहूंगा, ठीक है, करो भला तो हो भला, आए क्या जानू मैं भूल गया, बस इतना ही सोच लो फ्रेंड्स, करो भला तो हो भला, मतलब भला करेंगे तो भला होगा, नहीं करेंगे तो बुरा होगा, तो नहीं होगा। बुरा करेंगे किसी साथ तो आज नहीं होगा हमारे साथ बुरा, तो दो दिन चार दिन बाद दस दिन बाद महीने बाद हमारे साथ बुरा होगा ही होगा, ठीक है। तो बस चलिए फ्रेंड्स, आपसे मुझे बताना था कि भाई यूट्यूब से हमारा इतना भी नहीं आता है, अगर हमारा यूट्यूब से इतना आ रहा होता है ना तो मैं काम नहीं करता, मस्त घूमता खाता पीता मस्त रहता, ठीक है। तो भाई मेरी मजबूरी है काम करना, क्यों पहले तो पेमेंट में दिक्कत थी, जब फिर थोड़ा अभी आने भी लगा तो अब ये दिक्कत हो गई कि अब हमारा व्यूज वगैरह आता नहीं, तो इसलिए हमारे चैनल पे डॉलर नहीं बनते, इसलिए जानू बाहर काम करने जाते हैं। नहीं तो बाहर काम करने में भी कुछ अच्छा इंसान काम करे तो ही गुजारा, इसमें भी गुजारा नहीं, वो भी इंसान को अच्छा काम आए जब तो इसमें गुजारा है कि नहीं जानू। वो भी जो घर घर पूरा अच्छे से बना लेते हैं ना, उनकी उनकी सैलरी ज्यादा होती है इसमें, और जैसे मजदूरी कर रहे तो उनकी सैलरी ज्यादा नहीं होती, ये पता होना चाहिए। पूरा दिन खटने के बाद इंसान थोड़ा बहुत कमाता है, तो बस यही कहना चाहेंगे कि बोलते हैं लोग, बस इसीलिए हम भी सोचते हैं कि क्योंकि पहली बात तो जो आके कमेंट करते तो वीडियो पूरी देखते नहीं, और उससे पहले ही बहुत बड़ा बड़ा बोल के कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं भाई यूट्यूब से तुम इतना कमाते हो, इतना करते हो, क्या करते हो पैसे। हम तो भाई कमाते हैं तो पैसे जो कमेंट करते हैं ना, तुम्हारे मम्मी डैडी हम अकाउंट में डाल देते हैं, हम बचाते नहीं, इसलिए भाई हम क्या करें, करना पड़ता है। कितने सालों से यहाँ रह रहा हूँ वो फ्रेंड्स आप सबको पता है, आप सबको पता है, ठीक है। इतने मुश्किल से भाई रूम का किराया पूरा हो पाता है वो मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है, कोई अपने घर में जाके देखने नहीं आता, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे हो कि जब से आए हैं कि हम लोग उतने नहीं, भाई हर साल 200-300-500 बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है, यूनिट बढ़ गया, ठीक है, हर साल बढ़ता ही रहता है। चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को ना लंबा करते, ब्लॉग तो बहुत लंबा हो चुका है, बस आप लोगों से मुझे बताना था। चलिए बस सभी को बाय बाय, सभी को लव यू, बस जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनके लिए सारा काफी होता है, जो मूर्ख होंगे उनको कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं, तो बाय बाय लव यू, मिलते हैं किसी लोग में अच्छे ब्लॉग के साथ।